वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धनुराशि वालों, जिस प्रकार कल्पवृक्ष आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार घर का मुखिया ग्रहों का शुभत्व प्राप्त करके परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। लेकिन कई लोग बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक संघर्ष करते रहते हैं। मित्रों, यदि किस्मत की बात छोड़ दें तो भी हमारे शास्त्रों में सफलता के उपाय बताए गए हैं और ये बात निर्विवाद भी है। धनुराशि वालों, जब 15 नवंबर को शनि ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे तो आपके धन, प्रेम और परिवार की स्थिति में क्या बदलाव करेंगे? क्या जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? क्या 15 नवंबर के बाद अच्छे कर्मों का हिसाब मिलेगा? क्या बदलती स्थिति आपके जीवन को भी बदल सकती है? क्या नया अवसर आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा? इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना भी है। मित्रों, मैंने सितंबर महीने में ही बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि शेयर बाजार में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। तो आप देख सकते हैं 2022 के बाद 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 6 दिन में BSE का इंडेक्स 4,700 अंक से ज्यादा टूटा था और निवेशकों के 25 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए थे और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई थी। और जब 15 नवंबर को शनिदेव पुनः वक्री अवस्था को छोड़कर मार्गी हो गए तो वो फिर से शेयर बाजार में बहुत बड़े उतार चढ़ाव की स्थितियों का निर्माण करेंगे, सत्ता संगठन में बदलाव करेंगे। इसका असर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर भी होगा। बड़े नेताओं को दुखद समाचार मिलेंगे। वायुयान दुर्घटना, यहां तक भारत में गुजरात, महाराष्ट्र एवं पूर्वांचल के राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे। बड़ी तबाही के साथ विश्व के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सीमा पर तनाव, जानमाल की नुकसानी होगी। जब 15 को शनि मार्गी हो गए तो शुक्र देह भाव में, राहु चतुर्थ भाव में, गुरु छठे भाव में, बुध और सूर्य आपके द्वादश भाव में उपस्थित रहेंगे और यही स्थिति आपको बहुत कुछ देगी। तो आइए जानते हैं मार्गी शनि का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। मार्गी शनि का समय आपके लिए साहस, शक्ति एवं संघर्षपूर्ण वक्त खत्म करने का अवसर लेकर आ रहा है, जहां पर आपका आत्मविश्वास में ही शक्तिशाली वृद्धि होगी, जिनके फलस्वरूप आप तुरंत ही निर्णय लेकर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। आप देख पाएंगे कि धन का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके पारिवारिक जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। धनुराशि के जो लोग कुंडली में शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या फिर शनि की प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं और इस दुविधापूर्ण स्थिति में रहने के कारण जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो अब विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। मार्गी शनि का प्रभाव आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि अब 15 तारीख से ही व्यक्तिगत रूप से ही एक घेराव की स्थितियों से बाहर निकलेंगे। नौकरी की स्थिति में अब उतार चढ़ाव पूर्ण स्थिति नहीं होगी, संतोषजनक स्थिति बनेगी। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप किसी कर्ज के दलदल में फंसे हुए थे और आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे तो एक ऐसा अवसर, एक ऐसा चांस आपको शनि की कृपा से प्राप्त होगा, जिसके कारण आप कर्ज से छुटकारा प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने के चांस है। प्रीतम से भी रिश्ते में गर्माहट आएगी। अगर आप में नेतृत्व की भावना प्रबल है और आप किसी कार्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शनि की कृपा से आप संभाल सकते हैं और मार्गी शनि के कारण अब कार्यों को आप अच्छी तरह से निभाते हुए पूर्ण रूप से संपूर्ण भी करने में समर्थ रहेंगे। हाँ, शनि विलंब के कारण होते हैं, इसलिए अंत में थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लोन आसानी से उपलब्ध होगा, नए व्यापार की शुरुआत होगी। यहाँ तक भाग्य आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करवा सकता है जो आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल देगा। जिस तरह शनिग्रह आपके तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं, उस हिसाब से
मैं अवश्य ही कह सकता हूँ कि आपकी भावनाओं और विचारों को उत्तम रीति से व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे दो चीजें होगी। एक, पति पत्नी का विवाद खत्म होगा, स्वतंत्र होने की चाहत पूर्ण होगी, आजादी मिलेगी। तो दूसरा, वो बिजनेस में, व्यापार में नए रूप रंग से सौदे करने में सहायक होगा। यदि आप शनिदेव से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे लोहा, तेल, शराब का काम, या फिर शेयर मार्केट, खनिज द्रव्य जिसमें पेट्रोल, डीजल, केमिकल, कोयला, चूना, पत्थर, रेत के व्यापार से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। आपके काम में तेजी आएगी, आपके बिजनेस में मुनाफा होगा। आप केवल लाभ ही प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन साथ में कई तरह की भौतिक सुविधाओं को भी जुटाने में समर्थ होंगे। आप जीवन में पग पग पर जिन अवरोधों का अनुभव करते थे, कभी पैसे की कमी का अवरोध था तो कहीं शत्रु बाधा उत्पन्न कर रहे थे, कहीं उच्च अधिकारी अथवा राज्य सत्ता के कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो शनि के कारण वह स्वतः ही दूर होगा। आप राजनीति में भी प्रतिस्पर्धियों को धूल चटा पाएंगे, अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, यानी कि अब सभी अवरोधों से आपकी उन्नति बाधित नहीं होगी। मित्रों, हम जानते हैं पैसों का संग्रह कठिनता से होता है, परिश्रम करके कमाने में दिन रात नहीं किंतु सालों के सालों निकल जाते हैं, और जब हम जितना कमाते हैं उतना ही व्यय हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। हम भाग्य को कोसते हैं, किस्मत का बहाना देते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हर व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष के कई महायोग होते हैं, जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, चेक करें, विश्लेषण करके जीवन में आगे बढ़े। धनुराशि वालों, आपके तृतीय भाव में मार्गी शनि अब आपको आर्थिक लाभ देगा। आप न केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल रहेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिलने से आपको धन लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप लंबे समय से जिस जॉब की तलाश में थे, तो आपको सफलता हाथ लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको विदेश के किसी प्रोजेक्ट के लिए चुना जाए, या फिर इंडिया में ही आपकी कंपनी आपको दूसरे स्थल पर भेज दे। और यह स्थिति जब बनेगी ना, तो उसके दो नतीजे सामने आएंगे। पहली, अगर आप सिंगल हैं, तो आपके नए रिश्ते स्थापित होंगे ही। इसके साथ साथ गुपचुप और समाज से छुपाने वाले रिश्ते भी बन सकते हैं, यहाँ तक आप शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दूसरा नतीजा, जॉब में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है, या फिर इस दौरान आपको ऐसी सफलता हाथ लगेगी जिससे आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी, आपको याद करेगी। और वैसे भी अष्टमेश चंद्र 12वें भाव के स्वामी मंगल हो रहे हैं, तो वह विदेशी व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोगों को कारोबार के लिए नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करने का अवसर देगा। कार्य के सिलसिले में छोटी बड़ी यात्राएं होगी, सुखद योग बनेंगे। विदेश में भोजन से, किराना से, यातायात से, लकड़ी से, टाइल से संबंधित व्यापार या कारोबार चला रहे हैं, तो उसमें वृद्धि होगी। इसके साथ साथ भारत में समुद्र के आसपास के स्थित नगरों में निवास करने वाले लोगों को आकस्मिक धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे। किसी प्रकार की बड़ी डील से सरकार से लाभ मिलेगा। यहाँ तक लंबे अरसे से देख रहे सपनों को भी आप पूर्ण कर पाएंगे, यानी शनि वाकई में कमाल करने वाले हैं। आप देख रहे थे मार्गी शनि का प्रभाव धनु राशि पर कैसा रहेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।